नहीं है, क्योंकि 10^-6 लिखेंगे तो ऊपर को भी 10^-6 लिखेंगे तो कैंसिल ही होगा आगे चल के। उसके बाद इस सेंटीमीटर को 10^-2 लिया, इसको 10^-2 लिया, तो 10^-2 10^-2 कैंसिल ही होगा। रोशन समझ में आ रहा है? आपने सवाल किया था ना कि कन्वर्जन करने है करके, तो यस कुछ कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ना दो डिस्टेंसेस गिवन है मतलब कहीं ना कहीं वो कैंसिल होने वाले, दो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो गिवन है मतलब वो रेशियो भी कहीं पे ना कहीं पे कैंसिल होने वाला है। तो इस टाइम मतलब इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कन्वर्जन ना किए तो भी चलेगा और किए तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 1+4^2 16 डिवाइडेड बाय कितना, 9^3/2। उसके बाद देखिए 9 1 9, 9+16 25, 25/9^3/2। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे आप देखिए, 25/9 एज इट इज लिखेंगे, और उसे क्या करेंगे 3/2 को हम ऐसा थोड़ा स्प्लिट करके लिखेंगे, 1/2^3। ठीक है, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का मीनिंग एक ही है, ये भी क्यूब रूट ही बता रहा है, ये भी ब्रैकेट क्यूब रूट ही बता रहा है, लेकिन पहले हम क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना बेटा, 5, एंड 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3। तो ये होगा ऐसे क्यूब। तो BC डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब मतलब कितना, 125 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब मतलब 27। तो BC इज इक्वल टू, ये 54 इधर आएगा, तो 125 डिवाइडेड बाय 27 इनटू 54, 27 टू जार 54, तो BC इज इक्वल टू 250 माइक्रो टेस्ला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉब्लम समझ में आया बेटा बाकी लोगों के? सर पर एक टाइम सांगता खबर कौन सा, कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे है आपको, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सर फोर्थ से फर्स्ट में देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस गिवन है 54 माइक्रो टेस्ला, और ये मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर पे। तो हमें निकालनी है सेम सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी। तो देखिए यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम में दो चीजें यहाँ पे पूछी है, एक मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो डेफिनेटली एक बात श्योर कर लो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ये वाला रेशियो निकालना है, इस रेशियो के इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर वही है। एक बार एक्सिस पे निकालो, एक बार सेंटर पे निकालो। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया एक्सिस का, BC बाय BA, BC मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सी, सी मतलब सेंटर, एंड बी ए, ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, BC एज इट इज एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 54, 1+x मतलब ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, आर मतलब उस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करते करते 4 का स्क्वायर 16 मिला, 3 का स्क्वायर 9 मिला, रेज टू 3/2 अगेन, बाद में 1+16/9। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 9 से इधर मल्टीप्लाई किया जाता है, 9 1 9, 9+16 25, 25/9, फिर से पावर एज इट इज 3/2। तो इस 3/2 को हमने स्प्लिट किया बेटा 1/2 रेज टू 3, देखो ना 3 से 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फिर से 3/2 ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर जो जो क्यूब रूट नाम की जो टर्म होती है ना, क्यूब रूट इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट रेज टू 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही किया है, स्क्वेयर रूट मतलब 1/2 रेज टू 3। तो 1/2, 25/9 रेज टू 1/2 मतलब 25, और 9 का स्क्वेयर रूट, तो 25 का स्क्वेयर रूट 5, 9 का स्क्वेयर रूट 3, तो ये 1/2 चला गया। चला गया क्यों, क्योंकि 25 को 5 लिखा ना एंड 9 को 3 लिखा, तो 5 का फिर से क्यूब किया, क्यूब करते करते 3 का भी क्यूब किया और आंसर मिला 250। अब समझ में आया? यस सर कल ठीक है, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट।
चलो हो गए लिखना। यस सर। राइट डाउन, टू आइडेंटिकल वायर A and B, each of length small l, comma, carry the same current, capital I, full stop, wire A is bent into a circle, मतलब जो वायर ए थी उसका सर्कल बना दिया। वायर ए इज बेंड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। वायर बी इज बेंड to form a square of side. Wire B is bent to form a square of side small a. Full stop. Square of side small a. मतलब वायर ए का सर्कल बना दिया, वायर बी का स्क्वायर बना दिया। सर्कल बना दिया आर इतने रेडियस का, स्क्वायर बना दिया ए इतने लेंथ के साइड का, फुल स्टॉप। इफ बी ए कैपिटल बी और सफिक्स में ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए, बी ए एंड बी बी, if BA and BB are the values of magnetic field, at the center of circle and square respectively, मतलब BA is the magnetic field at the center of the circle and BB is the magnetic field at the center of the square. BA and BB are the magnetic field at centers of the circle and square respectively. Then calculate. Then calculate BA divided by BB, मतलब BA का BB के साथ का रेशियो निकालना है, याद रखो, ठीक है। और ऑप्शन गिवन है, देखिए ऑप्शन A इज pi square divided by 16√2, B इज गिवन pi square by 16, C is given pi square by 8√2, and D is given pi square by 8. ठीक है, pi square by 8. ठीक है, वायर ए का सर्कल बना दो,
वायर बी का स्क्वायर बना दो, स्क्वायर की साइड लोगे एक, सर्कल की रेडियस लोगे आर, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेपरेटली सेंटर पे, और उनकी क्या करोगे आप, रेशियो लोगे, और दीज आर द ऑप्शंस। ट्राई कर सकते हैं बेटा, ये डिफिकल्ट लग रहा है प्रॉब्लम आपको, ट्राई कर सकते हैं या समझ में नहीं आ रहा, बोलिए जल्दी। यस सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ट्राई करो, जस्ट दो मिनट का टाइम दूंगा आपको, कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो लिखो, व्हाट वी व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट इज द गिवन डेटा, ये लिखने की तो कोशिश करो, आ जाएगा आपको। सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, चलो कर रहे हैं ट्राई। उद्धव, उद्धव शहर वाले ट्राई कर रहे हैं तू? यस सर। आदित्य भिंगारे? यस सर, कर रहा हूँ सर। ठीक है, रोशन? यस सर, कर रहा हूँ। आदित्य सूर्यवंशी? शार्दुल साबड़े? प्रसाद? हाँ कर रहे हो सर। ठीक है, शार्दुल एंड आदित्य सूर्यवंशी, ठीक है, मुझे नाम याद करो बेटा लेक्चर खत्म होने से पहले, शार्दुल एंड आदित्य, मैं आपको पूछूंगा मैंने किन किन स्टूडेंट्स के नाम लिए थे, ठीक है। तनिष्क? यस सर। इधर लिखी, इधर लिख लेता हूं मैं, शार्दुल और कौन था, शार्दुल और कौन था बेटा? सर आदित्य सूर्यवंशी। यस सूर्यवंशी। यस यस, आदित्य सूर्यवंशी, आदित्य सूर्यवंशी। हेलो सर, मैंने मैसेज किया था ना आपको। मैसेज मत करो, बातें करो मेरे से, ठीक है, मैसेज मत करो। आपको मैसेज देखने के लिए मुझे मैसेज देखने के लिए मुझे बार बार मोबाइल पे आना पड़ता है, वो स्क्रीन खोलनी पड़ती है, देखना पड़ता है, बात करो ना वैभव। माइक शुरू किया तो स्क्रीन ब्लर हो जाती है। ठीक है, दो मिनट के, आप दो मिनट के लिए करना है ना, यस नो कुछ बोलना है। कौन है ये, आदित्य है क्या? हाँ सर। ठीक है, वैभव, ये वैभव कौन है? वैभव? यस सर। हाँ बोलो बेटा, कॉल कर रहे? यस सर। प्रथमेश? एलरॉय? यस सर। एलरॉय सर, सर दोनों वायर की लेंथ सेम है क्या? यस यस यस, लेंथ इज सेम। आविष्कार? दानिश पाटिल, आदित्य पाले, आदित्य पाले, रितेश? यस सर। तकावले? चलो बोलो क्या है बेटा आंसर। देखो इधर मैं बताता हूं, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर ये है वायर ए और इधर है वायर बी, ऐसा कंपेयर करके सॉल्व करो। वायर ए की भी लेंथ है एल,
वायर बी की भी लेंथ है एल, लेकिन वायर ए का हमने बना दिया सर्कल एंड वायर बी का बना दिया क्या बेटा स्क्वायर। अब सर्कल मतलब सर्कल में मेजर पार्ट होता है रेडियस एंड स्क्वायर में मेजर पार्ट होता है क्या उसकी साइड, चारों साइड। तो जो सर्कल बनाया वो सर्कल कुछ इस तरह से बना दिया लाइक दिस, जिस सर्कल की रेडियस है बेटा आर। अब इस सर्कल में से कुछ करंट पास हो रहा है, सेम करंट पास हो रहा है ऐसा कहा है। सपोज इस सर्कल में से आई इतना करंट पास हो रहा है, तो आई इतने करंट के कारण यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी तो हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर गिवन है बी ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है बोलो फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अभी अभी देखा था ना, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय टू आर। अब यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 होगी, नंबर ऑफ टर्न्स अगर गिवन नहीं होगे तो n इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। तो इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी निकली और हमें वही फाइंड आउट करना है ना बी ए का बी बी के साथ रेशियो। तो बी ए मतलब इस सर्कल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और उसका फॉर्मूला हमें पता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। अब बात करेंगे स्क्वेयर की, तो देखिए स्क्वेयर कैसा बनेगा, स्क्वेयर तो कुछ इस तरह से बनेगा, स्क्वेयर कुछ इस तरह से बनेगा लाइक दिस, ठीक है। ये है सपोज स्क्वेयर, स्क्वेयर की ये साइड है ए, ये वाली भी कितनी है ए ए ए, यहां पे उसका सेंटर है। अब स्क्वेयर चार अलग अलग कंडक्टर से बनता है, कितने कंडक्टर से बनता है बेटा चार, लेकिन चारों कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट सेंटर पे कैसी होगी, सेम होगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। मतलब यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं ये स्क्वायर है सपोज ए बी सी डी, तो किसी एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा और उसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यस नो? यस सर। यस सर। तो सपोज ए बी साइड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है जो कुछ होगी, तो मैं यहाँ पे ऐसा कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी बी इज इक्वल टू, मतलब बी वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी 4 इंटू इस ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी सपोज बी 1 4 क्यू, क्योंकि चार साइड के लिए चार, ठीक है। तो 4 इंटू बी 1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस साइड। अब इस साइड के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक तो उस पॉइंट से लेके उस सर्कुलर उस करंट करंट कंडक्टर पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। अब इस परपेंडिकुलर का इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, ये पूरा कितना है बेटा ए, तो ए कितना हो गया a by 2। बाद में हमें जरूरत होती है फॉर्मूला होता है b1 is equal to mu not I divided by 4 pi। ये डिस्टेंस कितना है a by 2 मतलब 2 जाएगा ऊपर इन ब्रैकेट साइन ऑफ phi 1 प्लस साइन ऑफ phi 2। अब साइन phi 1 phi 2 की वैल्यू देखिए कितनी है, ये मिला 4 into 2 mu not I divided by 4 pi a। साइन phi 1 कितना है 45 और ये भी कितना है 45। तो मैं ऐसा कहूंगा 2 into 1 by root 2, साइन 45 1 by root 2 होता है ना, तो 1 by root 2 plus 1 by root 2 2 into 1 by root 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखिए यहां से ये चार और ये चार कैंसल हो रहा है, यहां पे बचेगा कितना देखिए, ये 2 2s आर 4, 4 mu not I divided by pi into a into root 2, ये मिल गया आपको bb, ठीक है। मतलब देखिए इस इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है ba divided by bb, तो ba divided by bb करो, तो ba is equals to कितना देखिए म्यू नॉट एन इंटू आई। अब एन इज इक्वल टू 1 ही है ना, तो सिर्फ म्यू आई कंसिडर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, बीबी की वैल्यू इतनी, तो ये उल्टा हो क्या ऐसा होगा पाई इंटू ए अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 म्यू नॉट इंटू आई। तो म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 2s आर 4,
तो बचेगा कितना, तो बी ए डिवाइडेड बाय बी बी इज इक्वल टू, देखिए पाई ए अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय, यहां पे बचेगा टू इंटू टू आर, इसे कहो इक्वेशन थर्ड। अब देखिए बी ए बाय बी बी इज इक्वल टू, ऐसा कुछ रेशियो गिवन है, लेकिन इस तरह का रेशियो, ये इस तरह का आंसर हमारे ऑप्शंस में गिवन है क्या बेटा? यस नो, इस तरह का आंसर, इस तरह का आंसर हमारे ऑप्शन में गिवन है कि ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है का? देखिए नो सर, नहीं, मतलब हमें इस ए एंड आर को एक दूसरे के फॉर्म में लिखना होगा, तभी जाके वो क्या होंगे, कैंसिल होंगे। अब देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं, देखिए फॉर सर्कल मुझे बोलिए पूरे सर्कल के लिए, अब जो ए करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी थी, एल, तो क्या मैं सर्कल के लिए एल इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं टू पाई आर? यस नो, मतलब एल इस लेंथ का टू पाई आर, इसने सर्कल फर्स्ट टाइम ने सर्कल बना दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद फॉर स्क्वेयर, स्क्वेयर की भी लेंथ कितनी है बेटा, एल, लेकिन चार साइड बना के कितनी हो गई, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब कितना 4a। अब अगर इक्वेशन वन एंड टू इक्वेट किए तो एल एल कैंसिल होगा, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4a, तो देखिए 2 2s are 4, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखिए रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू ये पाई इधर आएगा तो 2a डिवाइडेड बाय पाई। अब रेडियस की यही वैल्यू 2a बाय पाई इस इक्वेशन में पुट करो, तो बी ए डिवाइडेड बाय बी बी कितना होगा, तो बी ए डिवाइडेड बाय बी बी इज इक्वल टू पाई ए रूट टू एज इट इज, टू एज इट इज, और रेडियस की जगह कितना बेटा 2 इंटू ए डिवाइडेड बाय पाई। तो देखिए इधर ए ए गेट कैंसल, ठीक है कैंसल होगा, यस सर, पाई ऊपर जाके क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाय कितना, 2 2s are 4, फोर, तो ऐसा ऑप्शन है गिवन। सर आपने यहाँ पर गलती की है सर, दी फोर 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 इंटू कट की जरूरत है सर, बोलो फोर इंटू एट हो जाएगा, तरी तो बी ए अपॉन बी बी सर, बी ए बाय बी बी, यहाँ पर ए आ रहा है, तो आने दो कट की लेते हैं सर, मल्टीप्लाई लास्ट ले लो एक मिनट, हाँ ये बी ए इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू आर, हाँ यहाँ पे ना, हाँ ती फोर कट के यहाँ पे फोर आएगा है ना, तो फोर नीचे आएगा, नीचे है सर, फोर नीचे लिया है ना बेटा, ये क्या यहाँ पे, तो तू मल्टीप्लाई के एट हो जाएगा ना, मल्टी, हाँ 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 करेक्ट 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 एट, हाँ तो देखिए इधर क्या बचेगा, इधर फिर एट आएगा, एट आएगा सिर्फ है ना, तो देखिए बी ए बाय बी बी इज इक्वल टू पाई इंटू ए रूट टू डिवाइडेड बाय एट इंटू टू ए डिवाइडेड बाय कितना पाई, तो ए गेट कैंसल, ये ऊपर पाई जाएगा, तो पाई स्क्वेयर रूट टू डिवाइडेड बाय एट टू जार कितना 16, ठीक है, तो पाई स्क्वायर रूट 18 बाय रूट 2 बाय 16, दिस इज द आंसर। एक ऑप्शन यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, पाई स्क्वायर आंसर, पाई स्क्वायर 8 रूट 2 है, सो इसको 8 रूट 2 भी रूट 2 आगे आंसर करने के लिए, हम्म,
पाई स्क्वायर एट रूट टू। सी इज द आंसर, बराबर है ना? यस सर, यस सर, बराबर। यहां तक ठीक है, चलो लिखो। राइट डाउन दिस वन। हो गया बेटा? तो आज रुकेंगे हम इधर ही सर, स्क्रीनशॉट निकालने दो। निकालो स्क्रीनशॉट, निकालो। समझ में आ रहा है? इसे ऐसे भी लिखेंगे, पाई स्क्वायर इंटू रूट टू डिवाइडेड बाय एट इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू कैंसिल, तो पाई स्क्वायर बाय एट रूट टू बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो रुकेंगे आज। Thank you. Bye bye and take care. Thank you.